ये मच्छी बाजार नहीं है सिंगम, एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं चाचा, मैं पुलिस वाला बाद में, पहले आपका बेटा हूँ। बैठ जाइए। मैं मानता हूँ ये इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये आपकी बेटी से प्यार करता है, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरा दिन रास्ते पर खड़ा है। ये पानी के बहाने मेरे घर पे आके मेरी बेटी को घूरता रहता है, सारा दिन पानी मांगता रहता है। चाची, हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं निकलती, मान मर्यादा में मानती है। तो आपकी बेटी को देखने ये घर नहीं आएगा तो और कहां जाएगा? लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह मारेंगे तो इस नौजवान को समझाएगा कौन? आपका बेटा समझदारी की बातें करता है, इसीलिए तो पुलिस में। ना ही इन परिवारों के बीच, हमारे बीच कुछ होगा तो वो है सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। सुब्रतो, अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। आ गया, अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो मुस्कराओ। हाँ चलो सब अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। चलता हूँ। जी बाबूजी। सर जी, आपने दो मर्दों को आपस में गले मिलने के लिए कहा, लेकिन अगर इनमें से एक औरत होती और एक मर्द होता तो आप क्या करते? मैं तुझे यहाँ मारूं या फिर घर ले जाकर। ये शेर एक को माफ करता है लेकिन ये चिता एक को साफ करता है। गवर्नमेंट कहती है कि पेड़ पौधे उगाओ, लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे उगा ली है। तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। अगर इतना जोर से चिल्लाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, ऐश करो, जाओ। आगे चाय की दुकान पे रोके ना सर, फ्री में हाफ ऑफ कटिंग हो जाए। सिंगम रुको रुको। एक काव्य, ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो, जरा दिखाना। येलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी ना रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना। जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ, जाओ। लेकिन ब्रेसलेट? देखो, तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ, जाओ। चलो यहाँ से। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ये है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना, नंबर है, एड्रेस भी है, फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त थे, बाद में मौका देख के फोन किया। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहाँ मिलेगा? आवाज बना बना के केड़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। ये सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब। ये लो, ये लो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये ले। पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगी? खुद ही जाकर सारी चीजें सुनील को दे दी और पुलिस को गुमराह कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, पर हमारे जज्बातों के साथ मत खेलो। तुमने तो कहा था कि उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े, तो मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जब एक लड़की एक लड़के को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या? यही कि वो उससे प्यार करती है, अपनी जान तक दे सकती है उसके लिए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? मुझे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे, दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गए। तुम्हारी खुददारी की मैं दीवानी हो गई। एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढती है? यही कि वो उसे ढेर सारा प्यार करे, जिम्मेदारी उठाए। और ये सारी बातें तुम में है सिंगम। आई लव यू।
हो गए। मेरी आई लव यू का जवाब तक नहीं दिया, पता नहीं और कितना तड़पाएगा। एकदम उल्लू का पट्टा है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन लिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं तुम्हारी शादी तोड़ाने भाड़े के बच्चे लेके आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए जहर भी पी सकती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा बलमा। हार्ट अटैक दे गई, जान लेगी ये। काव्या, हाँ, तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? मेरी प्यास तो बुझ गई भाभी। अब भाभी कहाँ? अब ये घर पे भी आने लगी। सुनो ना, काव्या ने मुझे भाभी क्यों बुलाया तुम्हें पता है? उसने तुम्हें गाली तो नहीं दी है ना? फिर छोड़ो, मजाक मत करो, बताओ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे बड़ी हूँ। तो फिर कोई भी 18 साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी? वो दीदी भी तो बोल सकती थी। चेहरे पे झुर्रियां पड़ती जा रही है, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है, दीदी बनने चली है। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क गए? गुड मॉर्निंग सर, इसे 15 दिन तक साइन करने के लिए बोला गया है। गुड मॉर्निंग सर। साइन किया उसने? कंडीशनल बेल की फाइल में साइन किया। कहाँ से आया था? चेन्नई से सर। चेन्नई से? फाइल में यही लिखा है। वो तो हमारे किसी गांव वाले से बात कर रहा था, वापस बुलाओ उसे। ओ भाई साहब, इधर आओ, हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? नाम क्या है? शंकर सेठ। बाप का नाम? बाप का नाम? बाप का नाम याद नहीं आ रहा, क्यों? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? आईडी दिखाओ। सर जाने दो ना, हम लोग गौरी शंकर के आदमी हैं। अरे आपको क्या करना है, साइन से मतलब है ना? शंकर सेठ करे मैं करूँ? सर जी मेरा नाम गौरी शंकर है, आपने बुलाया हम चले आए। मेरा बोलबाला तो पूरे देश में चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके साथ उठना बैठना है, सब लोग मुझे अपना अजीज समझते हैं, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है। उनकी खुशी में सबकी खुशी है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। पूछिए इससे। शंकर सेठ कहाँ? अरे वो तो चेन्नई में है, अब हर दिन साइन के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। साइन ये करे या वो करे क्या फर्क पड़ता है? फर्क आमदनी से पड़ रहा है। 9:30 बज रहे, 3 घंटे में तेरा शंकर सेठ मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। 3 घंटे में कैसे आएंगे? चल के आए, दौड़ के, ट्रेन से या फ्लाइट से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे के अंदर मेरे सामने होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल कर खुद चेन्नई जाकर उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट छूट गई, मौसम खराब था, रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहना सिंघम ने बुलाया, जा। Have a nice day. बस आते ही होंगे। उसने बोल शंकर सेठ आया। अरे कौन है ये जो इतना उछल रहा है? सर यही है वो सिंघम। आइए सर। ये सफेदी की चमकार कौन है? यही शंकर सेठ है। तो साइन लेकर भेज दो। यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठे? सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। ए, ए, ए! औकात क्या है तेरी? पता भी मैं कौन हूँ? जानता है मारी पहुंच कहाँ तक है? चिल्ला मत, क्रिमिनल है तू। तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तूने एक बुड्ढे को धमकी दी और उसने खुदकुशी कर ली। तू ही शंकर सेठ है, इसका क्या प्रूफ है? आईडी दिखा तेरा, दिखा। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? बेटा कुछ लफड़ा तो बता, इसे यहीं पे गाड़ देंगे। ये छोटा मोटा गुंडा है, मैं संभाल लूंगा, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या छोटा मोटा गुंडा है? गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आए, हम भी 10 ट्रक हथियार भर कर लाए। अरे चाचा आप राई का पहाड़ बना रहे, जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आज अगर इसने कोई बवाल किया तो ये अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा, 4 कंधों पर ही जाएगा, मैं कह देता हूँ। हम बाहर ही बैठे। क्या तमाशा लगा रखा? कोई कुछ भी बोले चला जा रहा है, मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। और इसके चमचे को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो, बाहर निकालो। सुन रे छोरे, मारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी। अब भी की अभी काट कर रख दूंगा, अब भी क्या भी। हाँ,
हमारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ! क्या कर रहे हो? रुक जाओ! कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करेगी, हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन्ने डरा रहा है। तो भाई लोग बावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे हैं? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तू? तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए, मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा, मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। भाई दा। अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझाना, बैठिए ना गाड़ी में। ये कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है, सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा, उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाकी वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसके उड़ाएंगे। तुम दोनों को अगले साल वापस आना ही होगा। काव्या अपने गले की चेन का ख्याल रखना। पापा के सामने सारा सामान आ जाए। सुनो रोशन, रास्ते में अपनी जो देवी का मंदिर आता है वह दर्शन करते हुए जाना, पिछली बार नहीं गए थे तुम। अभी हर साल यहाँ आते रहना जरूर। ऐसा इंतजाम अगले साल भी करना। नमस्ते। क्या रोशन भाई, अभी अभी आए और अभी जा भी रहे हो? अरे भाई थोड़े दिन हमारे पास और रुक जाओ। किसी काम से मुझे। अरे काम तो पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपको हमारी बेटी की शादी में जरूर आना होगा। हाँ जरूर आऊंगा। लड़का क्या कर? अरे अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, पुलिस में है। अपना दामाद बनाने के लिए पुलिस वाला ही मिला तुम्हें? क्यों भाई, बड़े कामचोर निकम्मे और रिश्वतखोर होते हैं। देखो जरा सोच समझ कर बोलो, पुलिस वालों का काम होता है कानून की रक्षा करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है और तुम कहते हो वो कुछ करते ही नहीं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचा करो। आप, मैं तो ऐसे ही बोल गया। तुम ऐसे ही सबके सामने कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तो मैंने क्या गलत कह दिया? hey, मेरा बेटा पुलिस में है, जो आदमी खुद गलत काम करता है उसे ही पुलिस वाले पसंद नहीं आते। तुम ये उल जुलूल बातें शहर में करो।